गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का सेकंड टॉपिक कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन 1.3 टॉपिक है ये, फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, जो कि हाइमन द्वारा 1940 में दिया गया था। हाइमन 1940। फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा को और क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा इनवर्टिब्रेटा आप लोग जानते हो, पहले पढ़ चुके हो मैंने आपको पहले की क्लास में। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों को क्लासीफाई भी किया था, पूरा डिटेल में बताया भी था। अभी हम देखेंगे कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन। दो ग्रुप में ये डिवाइड है, एक क्रेनिएटा, क्रेनिएटा। अब अक्रेनिएटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जिसके आगे ए लग जाता है, अ लग जाता है, उसका मीन्स क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। आ जहाँ लग जाता है उसका मीनिंग क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है ना, एब्सेंट हो जाता है। तो अक्रेनिएटा मीन्स इसमें क्रेनियम जो है वो नहीं है। अब क्रेनियम क्या होता है, स्कल है ना, स्कल या कपाल, जिसको हम हिंदी में कपाल कहते हैं, स्कल या कपाल। क्रेनियम सिर, क्रेनियम कशेरुक दंड मीन्स वर्टिब्रेट वर्टिब्री, जबड़े और मस्तिष्क ब्रेन, ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अक्रेनिएटा में सिर, क्रेनियम, कशेरुक दंड, जबड़े व मस्तिष्क अनुपस्थित होते हैं, यानी स्कल नहीं होता है। यही अक्रेनिएटा को छोड़ के हम क्रेनिएटा पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा इसका। क्रेनिएटा में क्या हो जाएगा, क्रेनिएटा जिसको हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, इसमें सिर, क्रेनियम, कशेरुक दंड, जबड़े और मस्तिष्क यानी ब्रेन उपस्थित होते हैं। आगे हम देखेंगे अक्रेनिएटा को सब फाइलम में डिवाइड किया है, किस किस में, एक यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा। मैंने इससे पहले जब आपको कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें मैंने यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा इन सब के बारे में आपको बताया था। यूरोकॉर्डेटा क्या बताए थे मैंने आपको, यूरो मीन्स टेल रीजन है ना, यूरो का मीन्स क्या बताया था, टेल बताया था मैंने आपको, और कॉर्डेट मीन्स कॉर्ड का पाया जाना। तो जिनके टेल रीजन में कॉर्ड होती है, या एक और इसको हम ऐसे समझेंगे कि जिसमें नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो होती हैं वो सिर्फ लार्वल स्टेज में ही होती हैं, उन्हें हम यूरोकॉर्डेट कहते हैं। दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा क्या होते हैं, जो सेफेले का मतलब होता है हेड रीजन है ना, तो सेफेलोकॉर्डेट जो हेड रीजन से लेके टेल रीजन तक पूरे बॉडी पर कॉर्ड का पाया जाना सेफेलोकॉर्डेट कहलाता है। जैसे नर्व कॉर्ड एवं नोटोकॉर्ड एडल्ट एवं लार्वा दोनों के शरीर में पूरी लंबाई में उपस्थित होती है। कॉर्ड जो है इसमें कहाँ पर, पूरी लंबाई में बॉडी में, सेफेलिक रीजन से लेकर एंड रीजन तक पूरी बॉडी में पाई जाती है। इसके अलावा हमने एक और देखा था, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा का मीन मैंने आपको बताया था, हेमी मीन्स आधा है ना, हेमी मीन्स क्या बताया था, आधा, यानी जिनके आधे शरीर पर, आधी बॉडी पर कॉर्ड पाई जाती है उन्हें हेमीकॉर्डेटा कहते हैं। जो हमने किसका देखा था, हेमीकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, ये तो हो गए अक्रेनिएटा में। आगे हम आते हैं वर्टिब्रेट में या फिर क्रेनिएटा में। इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड उपस्थित तथा नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड द्वारा विस्थापित होती है। आगे इसके डिवीजन देखेंगे अग्नेथो और ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नेथो का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पर अ लग जाएगा, ए लग जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो जिसकी भी बात हो रही है वो चीज़ इसमें एब्सेंट है,
तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अग्नेथा मतलब इसमें जो भी पाया जा रहा है वो एब्सेंट है, यानी इसका ग्नेथा का मतलब हो जाता है जौ, जबड़ा। ठीक है, ग्नेथा का मीन्स क्या हो जाता है, जौ, जबड़ा। तो जबड़े का नहीं पाया जाना, एब्सेंट होना क्या हो जाएगा, अग्नेथो स्टोमेटा हो जाएगा। ठीक है, और युग्मित उपांग अनुपस्थित यानी पेयर्ड अपेंडिक्स नहीं पाए जाते हैं। इसके अपोजिट ग्नेथोस्टोमेटा में आ जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जबड़े पाए जाएंगे। ठीक है, ग्नेथोस्टोमेटा मीन्स इसमें जॉ प्रेजेंट और पेयर्ड अपेंडिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। अग्नेथा की आगे क्लास देखते हैं, इसको फिर से दो क्लास में डिवाइड किया है, ऑस्टियोकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्टियोकोडर्मी क्या होते हैं, ये बहुत बड़े मजबूत शल्क उपस्थित, कभी कभी सिफेलोथोरेसिक शील्ड उपस्थित होती है, इसका एग्जाम्पल है सिफेलिस पिस। साइक्लोस्टोमेटा क्या है, शल्क अनुपस्थित, इसमें शल्क जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जैसे पेट्रोमाइजोन और मिक्सिंग। आगे ग्नेथोस्टोमेटा में देखेंगे पीसेस, और इसकी सुपर क्लास है पीसीज और टेट्रापोडा। अब पीसीस किस में आ जाता है, पीसीस यानी जो एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे पीसीस ग्रुप में आ जाते हैं, और टेट्रापोडा मीन्स टेट्रा, टेट्रा का मीन्स हो जाता है चार, पोडा मीन्स पैर, यानी चार पैर वाले जितने भी जंतु होंगे वो टेट्रापोडा में आ जाते हैं। अभी हमने देखा पीसेस और टेट्रापोडा। पीसेस क्या बताया मैंने आपको, जिस जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनमें गिल्स और फिन्स प्रेजेंट होते हैं वो पीसेस ग्रुप में आती हैं, और टेट्रापोडा मैंने क्या बताया आपको, जिनमें टेट्रा मीन्स चार, पोडा मीन्स पैर, चार पैर वाले जो होते हैं वो टेट्रापोड होते हैं, जिनमें एक्वेटिक एरियल और एम्फीबियन सभी आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं पीसेस ग्रुप को फिर से क्लास में, तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्टिक्थाइस। अब पीसेस जो होती हैं यानी फिश जो होती हैं वो तीन तरह से, तीन क्लास में डिवाइड की गई हैं। पहली है प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी क्या होती हैं, जिनकी जो स्किन होती है, जो बॉडी होती है बाहरी ओर से, वो प्लेट से बनी होती है, इनकी स्किन प्लेट्स से बनी होती है, वो क्या होते हैं, प्लेकोडर्मी होती हैं, इसका एग्जाम्पल है जैसे क्लाइमेटियस। ठीक है, आगे कॉन्ड्रिक्थाइस। कॉन्ड्रिक्थाइस क्या होती हैं, वह फिशेस जो कार्टिलेज की बनी होती हैं, या फिर जिसको हम कहेंगे उपास्थि की बनी होती हैं, जिनका एंडो स्कल जो होता है, जो अंदर की जो बोन होती हैं वो बोन से ना बन के, स्कल से ना बन के किसकी बनी होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं, जिन्हें हम कॉन्ड्रिक्थाइस कहते हैं। इसके बाद है ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिक थाइस वो होती हैं जो, जिनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, जो जिनका बेस होता है वो किसका बना होता है, बोन का बना होता है, इन्हें हम बोनी फिशेज भी कहते हैं। इसको हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में कहें तो ये हड्डीदार है ना, हड्डीदार जो फिशेज होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उन्हें ऑस्टिक थाइस ग्रुप में रखते हैं, और जो कार्टिलेज की बनी होती हैं, उपास्थि की बनी होती हैं, उन्हें कॉन्ड्रिक्थाइस ग्रुप में रखा जाता है, और जिनकी स्किन प्लेट्स जैसी बनी होती, प्लेट से बनी होती है, उन्हें प्लेकोडर्मी कहते हैं। इस तरह से जो फिश वाली जो फिश जो ग्रुप है, पीसीस का जो ग्रुप है, उसको तीन क्लास में प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्टिक्थाइस में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ हम आगे आ जाएंगे टेट्रापोडा में, तो इसको भी चार क्लास में डिवाइड किया गया है टेट्रापोडा, जिसमें एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एवीज और मेमल्स। एम्फीबिया क्या होते हैं, ये हम बहुत छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। एम्फीबिया मींस जो लैंड में और वाटर में दोनों में रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं, एम्फीबिया ग्रुप में आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टोड। दूसरा है रेप्टीलिया। रेप्टीलिया जो रेंगने वाले होते हैं, है ना, क्रीपर होते हैं, जो रेंगने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, दीवार पर चढ़ने वाले और रेंग कर चलने वाले, वो सभी रेप्टीलिया ग्रुप में आते हैं, फॉर एग्जांपल कैमलियन। नेक्स्ट है एबिस। एबिस क्या होते हैं, जो बर्ड वाला जो पूरा ग्रुप है, उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, पक्षियों वाला जो ग्रुप है, उड़ने वाले सभी एनिमल्स एबिस ग्रुप में आ जाते हैं।
नेक्स्ट है मेमेलिया। मेमेलिया क्या होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं और जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सारे किस में आते हैं? मेमेलिया ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये हुआ कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो है फाइलम सब फाइलम सिफेलो कॉर्डेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।